भी ठीक है, चल तू चाय पी ले, चाय पी ले। कौन है? अंदर आ जाओ। नहीं मैं हूँ, तेरा हाल पूछने आया हूँ। अरे बांके बिहारी तू, ये तू किवाड़ क्यों खड़का रहा था? ये आवाज नहीं दे सके था? देख रेशम, मुझे ये होंगे बोंगे नामों से ना बुलाया कर। मोहम्मद शरीफ गए, तेरी जबान जलती है तो शर्फू क्या लिया कर। जिस दिन तू शरीफों जैसा हाल बनाकर आएगा ना तो कहूंगी शरीफ, और गले में लाल रुमाल डालकर लाएगा तो कहूंगी पांके बिहारी। नानी देख रही है, देख रही कैसे जबान लगा रही है ये। नानी तूने जो स्कूल पढ़ाया ना इसे, अब तू देख जबान की चट्टा पट्टी। कम से कम तेरी तरह अंगूठा छाप नहीं हूँ बांके बिहारी की। गले में लाल रुमाल क्या डाल दिया, बन गए बेचारे हीरो। सच्ची मैं तुझे हीरो लगूंगी? जा। तुम दोनों मेरे सर पर चख चख कर रहे हो, जा बेटे शरीफ, फिर आना। ठीक है रानी, मैं फिर आऊंगा। देख रेशम, तू शरीफ से यूं जबान न चलाया कर, क्या पता कल उसी के घर फिर तुझे जाना पड़े। फिर वही बात, शक्ल देखी उस चपड़ कनाती की। अल्लाह से डर, अभी मैं हूँ, कल मेरी आंख बंद हो गई तो ये कि आंख खुली रखो ना। सुन, मैंने इंजीनियर साहब की बीवी को खत लिख डाला है अपनी हालत का, तो हाय हाय वो यहाँ होती तो तेरा हाथ उनके हाथ में पकड़ा दे। भाभी आज तो आपने मरवाई दी है, तो टूट पड़े होते खाने पर, सामने तो भाभी बगैर आपके मेरे हल्के से नीचे कैसे उतरता। ज्यादा मक्खन बाजी की जरूरत नहीं, मैंने तुमसे कहा था ना कि शादी आएगी, कल शाम को जल्दी घर आना। तुम कल गोल कहाँ हो गए थे? ऐसे ही दफ्तर से निकला तो छोटी भाभी जान मिल गई और खाने पे साथ ले गई मुझे। छोटी भाभी जान कौन मर्दन में? आपको नहीं पता? यानी कि भाईजान ने आपको बताया नहीं? क्या बताया होगा? नहीं बताया, ये कैसे हो सकता? खैर अगर उन्होंने नहीं बताया तो मैं कैसे बता सकता। वैसे बड़ी हैरानगी की बात है, भैया ऐसा कर तो नहीं सकता, इतनी अच्छी बीवी घर में होते हुए। मुझे तो हैरत हो रही है, एटलीस्ट मैं तो नहीं मान सकता। भाभी ऐसी मजाक कर रहे हैं, कब मार रहे हैं? ऐसा फोंडा मजाक करते हैं बेचारे। भाभी छोटी भाभी जान असल में बातें बहुत मीठी करती हैं, हमारे भाईजान बस वहीं फिसल गए। क्या फजूल बातें कर रहे हो? कुछ नहीं भाईजान, कुछ भी तो नहीं, बस ये आयजा ही कुछ बोलती जा रही है, मुझे क्या पता। शर्म आनी चाहिए, तो अभी तक अपने आप को कॉलेज का लड़का समझते हो, तो कुछ अपनी उम्र का ख्याल तो करो। जी जी, इस उम्र में ये बकवास, मेरी तो उम्र ही नहीं है इसमें बोलने की, मुझे तो शर्म आनी चाहिए। उस्ताने जी का खत आया है हमारी से। कितने रुपए मंगाए हैं इस बार? अरे नहीं भाई, अपनी बीमारी के बारे में लिखा है, उनकी तबीयत बहुत खराब है, मैं सोची कुछ थोड़ा पैसा भेज दूं उनको। वही बात हुई ना, बेचारी अब बूढ़ी हो गई है,
थोड़ी बहुत मदद कर दी अगर उनकी तो क्या हर्ज है। तुम दोनों भाइयों को कुरान खत्म कराया था उन्होंने, 5 साल रही है हमारे साथ, आयजा को गोद में खिलाया है, हक बनता है उनका। मामा मैं तो परसों इस्लामाबाद जा रहा हूँ शादी पे, मैं एबटाबाद भी जाऊंगा, मरी भी जाऊंगा और उस्तानी जी के गांव भी जाऊंगा और उन्हें पैसे दूंगा। ये तो बहुत अच्छा होगा, बहुत खुश हो जाएंगी वो। जाहिर है मुझे देख के तो खुश होंगी। तू यहाँ है हा? और ये क्या कर रही थी? देख नहीं सकता, आंख में चोली खेल रही थी। तू यहाँ कूदिया मार रही थी तो तेरी दादी जान को रो रही है। तू तो पानी भरने आई थी ना, और तेरी दादी प्यासी बैठी है। पता है मेरी दादी प्यासी है ना, इससे तेरे को क्या। ला मेरे को देख रहा, मेरे को अच्छा ना लगे कि तू इतना बोझ उठाए है। अच्छा तो फिर ले लेना रोज पानी लाने का ठेका। चल मैं तो तेरा ठेका लेने को बैठा हूँ, तू घड़े और पानी की बात कर रहे हैं। मुंह धो रख। तो देख ऐसी बातें करके मेरा अरमान ना तोड़ा कर। हाँ अच्छा जी, तेरे भी अरमान है, चल आज बता ही डाल। मैं तो तेरे ख्वाब देखूं कि तू दुल्हन बनकर मेरे घर आएगी, चूल्हे पर गरम गरम रोटियां पकाएगी, मैं पास बैठा हुआ प्याज और हरी मिर्च के साथ खाया करूंगा। थक तेरी पेटू कहीं का, ख्वाब भी देखे तो गरम रोटियों के। बड़ा रोटी से अच्छा ख्वाब और क्या होगा। अरे मैं तो ख्वाब देखती हूँ बादलों जैसी उड़ती जा रही हूँ, चिड़ियों जैसी गा रही हूँ, चांदी जैसे चश्मे पे भाग रही हूँ, हवा के झूले पे उड़ते हुए वो पहाड़ के परले पास पहुंच जाती हूँ। तेरे तो सारे ख्वाब फोकट के हैं। मेरी घरवाली बनेगी ना तो ख्वाब भी ठीक देखने लगेगी। तेज बाके बिहारी, बस तू यही बात ना किया कर मेरे साथ, मेरे को सुलगी लग जाए है। कहीं तेरी मेरी शादी हो गई ना तो हल चला दूंगी तेरे ऊपर। चल चला दीजिए हल, तेरे को इसमें खुशी हो, मेरे को मंजूर है। हाय हाय बड़ा ही बिगाड़ता है, 100 बातें सुने और अपनी जगह अटके रहे। चल चल दादी इंतजार कर रही है, आ जा। चल जाओ अपनी सीट पर बैठो, मैनेजर साहब आते ही होंगे, मुझे रिपोर्ट आज बना के देनी है। तुम्हें तो रोज ही इमरजेंसी लगी होती है, मैं तो बोर हो गई हूँ, बहुत सख्त बोरियत हो रही है। ये दफ्तर है और यहाँ सभी काम करने आते हैं, ना ये क्लब है ना तुम्हारे खाले जी का घर, और तनख्वाह हमें काम करने की मिलती है। अरे भाई तुम कुछ मुझसे सबक सीखो, बहाने बनाने तो मुझसे सीखो, इतनी जान मारी करोगे तो बहुत जल्दी बुढ़ी हो जाओगी। वैसे मशवरे का शुक्रिया, लेकिन मुझे प्लीज काम करने दो, माफ करो मुझे, मुझे नहीं शौक नौकरी से निकाले जाने का। जाओ ऐसा किसी और का सर खाओ। अच्छा बाबा अच्छा,
मैं तो समझती थी नौकरी में बहुत मजा आएगा, मुझे जॉब तो फैशन में दाखिल हो गया है ना। फिर दिया तुमने मुझे ताना मेरी क्लास का, तुम मेरी दोस्त हो या सौतेली सास? क्यों लगी ना, पारा चढ़ गया? लगेगी क्यों नहीं, मैं अगर तुम्हें ताना दूं तुम्हारी क्लास का तो लगेगा ना पूरा। क्या हो गया री? बेला तुझे ये नहीं लगता कि हम जन्नत में रहते हैं? जन्नत में रहते हैं? भला अभी हमारी उम्र जन्नत में जाने की है? देखना सड़क और मकानों से जरा दूर निकल आए तो सारे का सारा कितना खूबसूरत है। किधर है खूबसूरत, एक ही जैसा तो है। ऊंचे ऊंचे पेड़, उनसे परे पहाड़, ये तैरते हुए बादल, बर्फ के नीचे छुपी हुई घास, जैसे मखमल का बिस्तर बिछा हुए। मखमल वाला बिस्तर कभी देखा भी है? देखा नहीं तो क्या, किताबों में तो पढ़ा है। भाई सारी खराबी तेरी पढ़ाई में है, हमें भले ना कुछ पढ़ा ना कुछ उल्टा सीधे जाने। सच्ची तेरा दिल नहीं चाहा कि पढ़ लिख लेती? अम्मा कहती है लड़कियों को पढ़ना नहीं चाहिए, और वैसे भी कौन सा हमको पटवारी की नौकरी करना है। मेरा बाबा कहता था लड़की हो के लड़का, जिसने पढ़ा नहीं वो जानवर बराबर। सच, बाबा जिंदा होता तो 10 जमातें जरूर पूरी कराता। मेरी दादी ने कितनों को कुरान पढ़ाया, आखिर सवाब मिलेगा ना। दादी की बात और है, वो तो जन्नत कमा रही है। और तुझे क्या मिला पढ़कर? जैसी मैं वैसी तू। तो मैं भी तो पढ़ाऊंगी ना बच्चों को, बस दादी ठीक हो जाए। दादी तो मुश्किल ही ठीक होगी ना, वैसे तेरा क्या बनेगा, तूने कुछ सोचा है? ये तो वही जाने जिसने बनाया है, पर तेरा जो होगा ना वो मैं जानू हूँ। क्या बनेगा भला बता तो सही। उस मोटे काले फखरू से तेरी शादी हो जाएगी और तू रोज उसकी काली माँ से गालियां खाएगी, मार खाएगी। रेशम की बच्ची शरीफे ने मुझे बतलाया था कि नानी का हाल खराब है, मगर इतना खराब तो नहीं बोला था। और वो तो इधर दूसरे चौथे रोज फेरा करे है। कैसा दूसरे चौथे, रोज ही आन धमकता है। देखो खाला समझा लो अपने बेटे को, मैं किसी दिन कुछ बोल पड़ी ना फिर कहोगी बेटे की बेइज्जती खराब कर दी। अरे सुन रही हो उस नानी अपनी लड़की की जुबान, अरे तुम तो मरने को हो, कल हम ही काम आवेंगे। हाँ बख्शो अपने एहसान से, मेरी दादी को अच्छा हो लेने दो फिर देखना। ना होने की अच्छी है, इस झटके में लगी परले पार। हाँ चुप करो, वाह अच्छा तबीयत पूछने आई हो। हाय पूछना पूछना कैसा, मैं तो पैसों के मारे आई हूँ। उस्तानी मेरा कर्जा लौटा दो, बाद में बेशक आंखें बंद कर लेना। हाँ देख के ही मरूंगी, मंगाए हैं मैंने पैसे, अभी आते होंगे। अरे पैसे को छोड़ो, बदले में ये मकान मेरे शर्फू के नाम कर दो। 700 के बदले में मकान, ये तो मेरी रेशम का है, इसके बाप ने बनवाया था। आए तो ऐसा करो
दो बोल ही रेशम से पढ़वा दो शर्फू के, इस मकान के लिए भी कर दूंगी, वरना इस बदजुबान को कौन पूछेगा। चुप करो, देखो कैसी हालत कर दी तुमने मेरी दादी की। अरे हाय, हालत वालत नहीं है कुछ भी, जब ना बोलना हो ना तो यूं ही खांसती है। उफ खाला, खुदा के लिए अब चलो। ठीक है री, मैं खुद ही जा रही हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है मरते दम के कलमे पढ़ाने का। बढ़िया रिश्ता जोड़ने, सबको समझ लूंगी, तुम अच्छी हो जाओ दादी। आ गया निगोड़ा, बाकी बिहारी तो फिर आ गए, बड़ा बेशर्म है। आ रही हूँ जी। जी आप कौन? जी मैं कराची से आया हूँ। उस्तानी जी है? कौन है, कौन है बेटी? उस्तानी जी मैं हूँ, जुहेब। अंदर आ जाओ, मुझे बाहर क्यों खड़े हो? उस्तानी जी कैसे अंदर आऊँ, आपके चौकीदार ने मुझे रोका हुआ है। अरे उस्तानी जी, आपने क्या हाल बनाया हुआ है, क्या बीमार हैं आप? बस बच्चे, वक्त आ गया है, सांस का हेर फेर बाकी है। बेके आके देखे, अब मैं आ गया हूँ ना आपके पास, अभी तो आपको मेरे बच्चों को कुरान शरीफ पढ़ाना है। अरे उस्तानी जी लेटी रहिए ना आप, आपने अम्मी जान को लिखा क्यों नहीं कि आपकी तबीयत इतनी खराब है? क्या लिखती बेटा, बोला तो जा नहीं रहा। तुम उस्तानी जी की पोती हो? डॉक्टर को दिखाया क्या, क्या कोई दवा वगैरह पिलाई ने? जी कोई मिक्सचर दिया था। बस कोई एक्सरे, कोई खून टेस्ट वगैरह? नहीं जी, ये सब तो गांव में नहीं होता। अच्छा, तुम ऐसा करो कि मरी में एक अस्पताल है, मैं इन्हें वहां पे दाखिल करवा देता हूँ। नहीं नहीं, मेरी रेशम अकेली रह जाएगी। तो उस्तानी जी इसे अपने साथ रख लीजिए ना। बस इसी की फिक्र है, अगर मैं मर जाऊं तो इसको अपनी माँ के पास ले जाना। उसानी जी वही मरने की बात है, इसकी फिक्र आप मुझ पे बस छोड़ दीजिए, आप बस ठीक होने की फिक्र करें। बस मैं सहारा। उस्तानी जी इसकी फिक्र तो आप बिल्कुल मत कीजिए, इसकी सारी की सारी जिम्मेदारी अब मुझ पर है। सुनो लड़की, कल सुबह मैं आऊंगा, इनका सामान तैयार कर देना, इन्हें हॉस्पिटल लेके जाना है। हाँ हाँ बेटा, मैं कर दूंगी फोन तुम्हारे दफ्तर, मत फिक्र करो। और तुम कब तक आ रहे हो? दो तीन दिन में। ठीक है, तुम अपना इत्मीनान करा के आओ, उनको दाखिल करा दो अस्पताल में। और बेटा पैसों की बिल्कुल फिक्र ना करो, ठीक है? ओके, अच्छा, अल्लाह हाफिज़। जुहेब का फ़ोन था, कह रहा था कि वो उस्तानी जी की तबीयत बहुत ख़राब है और वो उनको अस्पताल में दाखिल करना चाह रहा है। क्या ज़रूरत है जुहेब को मदद फीसा बनने की, वो अपने गांव में है, वो जाने, हमने क्या ठेका लिया हुआ है? नहीं, वो कह रहा था कि उसकी ऐसी एक पागल सी पोती है बस। है तो ना, और उस टीबी की मरीजा से इतना ज़्यादा चिपकना क्या ठीक है? वो उस्तानी जी को पैसे देने गए थे या उनका चार्ज संभालने? इन दो टके के लोगों, कैसी बातें करती हो आसिया? इंसानी हमदर्दी भी कोई चीज़ होती है, एक दूसरे का हक होता है,
मुझे ऐसी सब दिली की बातें बहुत बुरी लगती हैं। ये सब कैसे हुआ? गुजर गई, कल रात ही को सटक ली। मगर कैसे, परसों ही तो मैं आया था, कल अस्पताल के बंदोबस्त में लगा था और आज उन्हें अपने साथ लेके जाना था। अरे साहब जी देरी कर दी, गाड़ी निकल गई, पटड़ियां चमक रही हैं। अरे कई महीनों से खटिया पकड़े बैठी थी, छुट्टी हो गई बस। अजीब बातें कर रही हो तुम। रेशम वैसे मुझे बड़ा अफसोस हुआ, लेकिन जो अल्लाह की मर्जी, तुम सब्र से काम लो। मुझे तो परसों ही उन्हें अस्पताल ले जाना चाहिए था। है क्यों, क्या अस्पताल में मौत के फरिश्ते की मनादी लगी होती है? ये तो बहुत बुरा हो गया, अब तुम रहोगी कहाँ? कोई रिश्तेदार है तुम्हारा? जी नहीं, कोई नहीं, मनहूस है, पहले माँ बाप को खा गई और अब दादी को। चुप रहो तुम। हाँ तो अब तुम कहाँ रहोगी? क्या तुम कहीं काम करती हो? जी नहीं। फिर गुजारा कैसे होता था? आए तुझ मुझसे कर्जा मांगकर बिना कर्जा दिए मर गए। फिर बोली तुम? रेशम तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अकेले घर में नहीं छोड़ सकता। जी मैं कैसे जा सकती हूँ? तो तुम यहाँ कैसे रह सकती हो, अकेली लड़की, खाओगी क्या? वैसे भी तुम्हें याद है कि मुस्तानी जी ने तुम्हें मेरे हवाले किया था, मैंने उनसे वादा किया था, अम्मी जान तुम्हें बहुत मोहब्बत से रखेंगी।
पीछे मुड़ के कभी ना देखना। मेरे अलावा और कौन इतनी हिम्मत कर सकता है? और तुम क्यों इतनी भागी जा रही हो? तुम्हारे पीछे कोई पुलिस लग गई है? वैगन पकड़नी देर हो रही, गोली मारो वैगन को। तुम चलो मेरे साथ, चलो। मैं चली जाऊंगी। शुक्रिया। आखिर तुम मेरे साथ जाते हो, इतना डरती क्यों हो? इसलिए कि मेरा अब शहीद होने का कोई इरादा नहीं। वैसे मैं इतनी बुरी गाड़ी नहीं चलाती, मैंने गिनती के सिर्फ दो ही तो एक्सीडेंट्स किए। अब तुम चलो मेरे साथ ही। दीदा कह दिया ना मैं चली जाऊंगी। देखा, तुम मुझे अपने घर नहीं लेके जाना चाहती। आयजा कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम जब चाहो मेरे घर चली आना। ना तुम मुझे अपने घर लेके जाती हो, ना तुम मेरे साथ मेरे घर जाती हो, हमेशा बात गोल कर जाती हो। ओफो भाई, ऑफिस में तो रोजाना मुलाकात हो ही जाती है ना। भाई मम्मा और भाभी तुमसे मिलना चाहते हैं, उनको सब पता है तुम्हारे बारे में। पता है? क्या पता है? किसने बताया? क्या बताया? तुम इतना बुखला क्यों गई हो? तुम तो इतना डर गई हो जैसे उन्होंने कोई तुम्हारा पुलिस रिकॉर्ड चेक कर लिया। नहीं, मैं जो तुम्हारे बारे में उनके सामने बोलती रहती हूँ। चलो चलो आप। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो मामा? कैसा रहा तुम्हारा सफर? बिल्कुल ठीक मामा। अच्छा किया जोहेब तुम इसे साथ ले आए। क्या नाम बताया था इसका? हाँ रेशम। रेशम आओ बेटा, इधर आओ, आओ मेरे पास आओ। मेरे पास बैठो तुम, डरो नहीं, आ जाओ, आओ। तुम यहाँ अपना घर समझ के रहो, किसी चीज की फिक्र परेशानी ना करना, ठीक है? जी। हम सबको उस तारे जी का बहुत अफसोस है। किसी भी चीज की जरूरत हो कह दिया करना। और देखो लड़की, घर की कोई चीज इधर से उधर ना होने पाए। भाभी प्लीज। देखो भाई, ये हमारी भाभी जान है और इस घर की चीफ मिनिस्टर भी, इनका कहना मानना तो तुम्हारा फर्ज है। आओ चलो मेरे साथ अंदर चलो, मुंह हाथ धो लो, फिर चाय पीते हैं। अच्छा आपका भी जवाब नहीं है मिस्टर जोहेब। दादी के आदत को गए और पोती को समेट लाए, घर न हुआ रेफ्यूजी कैंप हो गया। यतीम बच्ची के सर पे हाथ रखना सवाब का काम है। कोई बच्ची बच्ची नहीं है, जवान जहान है। मुझे तो खासी चलाक लगती है। भाभी चलाक हो या बेवकूफ, अब तो आ ही गई है। और कब तक रहेगी? भाई शादी ब्याह होने तक तो रहेगी। माशाल्लाह, गोया 5 साल का मंसूबा है। भाई आपको क्या तकलीफ है, इतने बड़े घर में उसके लिए 2 रोटियां तो निकल आएंगी। नहीं भैया, 2 रोटी कहा, बेचारी सूखी मरगली सी तो है, एक ही खाती होगी। शुरू हो गए तुम अपनी बेतुकी बातें लेके। हाँ नहीं भैया, कहे तो छोटी भाभी जान के पास छोड़ो। कहूँ तुम्हारे भाई साहब से? क्या कह रहा है ये?
कुछ नहीं भैया, मैंने कुछ कहा, मैं तो बोला भी नहीं, मैं तो बस जा रहा हूँ यहाँ से। तुम मसरूफ हो तो मैं फिर आ जाऊंगा। अरे नासिर, तुम वैसे तो थोड़ा सा मसरूफ था, लेकिन तुम आ गए हो, आओ प्लीज। वैसे क्या खबरें हैं इस हफ्ते की? खबर तो कोई खास नहीं, बड़ी मुश्किल से एक गोल्डन बिल्डर से मिल पाया। गोल्डन बिल्डर्स यानी उसके मालिक से यार मैंने बात करने की बहुत कोशिश की, मगर बहुत चला गया। जब कुछ ना सुनना चाहे तो बहरा बन जाता है, कहता है कि आज मेरी हेयरिंग एड खराब है। वाह, तरकीब तो फर्स्ट क्लास है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी एक कान के लिए खरीद ही लूँ। मेरा ख्याल है तुम मिलो से जाकर, तुम बात करने के बाद अच्छा हो, शायद कायल कर लो। यार तुम वकील होगे बच्चों वाली बात कर रहे हो, कोई भी इतना बेवकूफ नहीं होता कि करोड़ों का प्रोजेक्ट किसी के कहने पर बंद कर दे। आखिर गैर कानूनी इमारत बना रहा है, पानली की जमीन मार ली है, जाने नक्शा पास कराए भी है कि नहीं, और छह मंजिला इमारत के लिए एनओसी ली भी है कि नहीं। कौन कहता है कि ये इलीगल बिल्डिंग्स है या नजायज जमीन है? हम ना, अरे अब तक तो खिला पिला कर उन्होंने सारी कार्रवाइयां फिट कर ली होंगी, बल्कि फाइल के पेट भी भर चुके होंगे। ये तो तुम सही कहते हो, कच्चा काम नहीं करते ये लोग, हालांकि हर सरकारी फाइल में लिखा है कि जमीन पार्क की है। तभी तो ये लोग बिल्डिंग माफिया और कब्जा ग्रुप कहलाते हैं, हर जगह इनके मोरे घुसे हुए, कटाकट हर काम कर लेते हैं। और जो बेचारे ईमानदार बिल्डर्स हैं, बेचारे एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर भाग भाग कर दुबले हो जाते हैं। कराची जैसे खूबसूरत शहर को बर्बाद कर दिया, इसीलिए तो हमारी जंग है उनसे। नहीं यार, गलती हमारी ही है, गलत इमारतें बनती रही और हम लोग सब खामोश बैठे रहे। चलो जो हो गया सो हो गया, मगर अब तो हमारी तंजीम गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही है, कुछ तो असर होगा इन पर। खैर नासिर, तुम बताओ क्या चाय लोगे, कॉफी? आप उससे भी ज्यादा खराब है। अच्छा तो फिर मुझे ये पढ़ के सुना। ये तो पहुंच गया। चलो ये बनाओ। अच्छा अब जाने लो। अम्मी देवी, एक बात पूछूं? पूछो बेटा। इस रेशम की हमारे घर में पोजीशन क्या है? पोजीशन क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब वही है जो पूछा है, वो इस घर में है क्या, इस घर का फर्द है, मुलाजिम है या नौकर, पता तो चले। घर का फर्द ही समझ लो। चलिए मान लिया, तो फिर उसको मेहमान खुसूसी क्यों बनाकर रखा जा रहा है? उसे यहाँ रहते हुए 3-4 महीने हो गए। बेचारी अम्मी जानी कब तक बेचारी कहलाएगी, सारा दिन हाथ पर हाथ धरे बैठी रहती है, शाम को आयजा ऑफिस से आ जाएगी तो उसकी मिसाइबगिरी में लग जाएगी। लीजिए दिन पूरा हो गया, पढ़कर सो गई। तो फिर क्या सड़क कूटने पर लगवा दें उसे? नहीं, झूला मंगा दीजिए, पलंग वाला, लेटी रहा करे उसमें, VIP बनाया हुआ है आपने तो उसे। तो बेटा तुम्हें कुछ काम ले लिया करो उससे। और ये जो आयजा ने उसको गोद लिया हुआ है, ये क्या ठीक है? अपने नए नए जोड़े उठाकर उसे दे दिए, शैम्पू, टूथपेस्ट, ब्रश, पाउडर, पता नहीं क्या क्या चीजें लाकर उसको देती रहती है। बेटे कमों बच्ची है, उसका भी तो दिल चाहता होगा। दिल हमें पाँव की जूती पाँव ही में अच्छी लगती है।
कोई फायदा नहीं दरवाजा खटखटाने का, ये ना खुलनेगा। हाँ ये सब तेरा किया दोरायमा, तूने जाने क्यों दिया लड़की को? तू महीनों बीत गए। अच्छा मेरा कसूर है? देख मैंने तो तुझे बोला था कि उस्तानी का अब तब है, मगर तू चल दिया यारों के साथ लाहौर पतंग उड़ाने। देख तू यहाँ होता ना तो उस्तानी ने तेरे दो बोल पढ़वा दिए होते। तूने तो बस एक बात पकड़ लेनी है, लड़की को वो साहब लेना गया होता तो मैं आगे तलपड़ ब्याह कर लेता। अरे मट्टी डाल शादी पर, नुकसान तो मेरा हुआ ना, कर्जा भी ना लौटाया और चली गई कब्र में, साहब से तो मैं ले ही लेती। तूने शोर क्यों नहीं मचाया कि लड़की को लेके भाग रहा है? हाँ कसूर तो मेरा ही है। अरे बुढ़िया जब बेहोश थी तो कागज पर अंगूठा लगवा लेती तो मकान अपना हो जाता है। खैर मकान तो अब भी अपना है, देखना बर्तन और भांडे ले आवे तो रहने लगे। वो कैसे? ऐसे इधर आ तुझे बताऊं। रेशम पलट आई तो आए उसको भी रख लेंगे। उस्तानी की रूह ने गला दबा दिया तो आए हाय नानी की रूह तो जन्नत में खांस रही होगी। आजा दर आजा। तुम तेजी से पीछे कर लिया करो ना, देखो आज अगर तुमने मेरी बारी नहीं दी ना तो मैं तुम्हें उठ के मारूंगा। मेरी जरा ये बारी पूरी कर दे। बात जी जब पिट रही है तो मुझे सामने किया है। हाँ मैंने खेल रही, यानी कि तुम मुझे मारोगी? आप डर गए। ये क्या उल्लेबाजी हो रही है? और रेशम मैंने तुमसे कपड़े इस्त्री करने को कहा था। यही तो मैं कह रहा था, काम शाम करती नहीं और बस। चलो बर्तन ले जाकर धो के रखो और फिर कपड़े इस्त्री कर लेना, जाओ। तुमको ये नौकरों के साथ ही ठीठी नहीं करना चाहिए, सर पर चढ़ जाते हैं। मगर रेशम हमारे घर में नौकर तो नहीं है। तो फिर क्या है? सुहेब का दिल बहलावा।
देखो आज अगर तुमने मेरी बारी नहीं दी ना तो मैं तुम्हें उठ के मारूंगा। मेरी जगह ये बारी पूरी कर दे। वाह जी, जब पिट रही है तो मुझे सामने किया है। हाँ, मैं खेल रही। यानी कि तुम मुझे मारोगी? साहब डर गए। साहब डर गए। ये क्या हुनरबाजी हो रही है? और रेशम, मैंने तुमसे कपड़े इस्त्री करने को कहा था। यही तो मैं कह रहा था, काम शाम करते नहीं और बस। उनके साथ ही ठीठी नहीं करना चाहिए, सर पर चढ़ जाते हैं। मगर रेशम, हमारे घर में नौकर तो नहीं है। तो फिर क्या है? सुहेब का दिल बहलावा? अच्छा है बंदर, क्या जाने अदरक का सवाद। तुझे कच्चा झोपड़ा याद आवे, पक्के घर में तुझे कांटे चुभे हैं। अम्मा मेरे को यह नींद नहीं आवे, चारों पासे वो घूमती नजर आए। हाय मैं मर गई। जिंदगानी में तो वो बड़ी अल्लाह लोग थी, अब भूत कैसे बन गए? मैं उस ताली की बात नहीं कर रहा हूं। वो रेशमा कैसा घुमा करती थी इस घर में, दूर से मेरे को आता देख ले तो कोसना शुरू कर देती थी। हाय सत्यानाश, तुझे उसके कोसने याद आवे हैं? हाँ माँ, तुझे होगा। मुझे तो रेशमा चाहिए थी घर बसाने को। हाय हाय, गांव में 100 लड़कियां हैं, कमी है क्या लड़कियों की? अगर उसकी जैसी चिट्टी रंग रूप वाली एक नहीं, चटर पटर बोलने वाली, स्कूल पढ़ी। सो यही तो बुराई थी उसकी। जाने के साल में होगी, मैं खुद जाऊंगा कराची उसको लेने। हाँ लाएगा ना, तो हम दोनों को पकड़ कर बाहर कर देगी। हाँ मैं खुद उसका हाथ पकड़कर घर में बिठा लूंगा। बस एक दफा मिल तो जाए तो जान नहीं दूंगा उसको। भैया आप? देखो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या ये मुमकिन है कि तुम 5 मिनट के लिए नॉर्मल इंसानों की तरह संजीदा रह सको? हाँ भैया क्यों नहीं, बिल्कुल। मैंने सुना है कि तुम लोगों से फड्डे लेते फिर रहे हो। भैया मैं और फड्डे? जरूर आपसे आयदा ने शिकायत की हूं। मैं घर की बात नहीं कर रहा हूं। देखो तुम जो कुछ कर रहे हो वो ठीक नहीं है। लेकिन भैया मैं कर क्या रहा हूं? ज्यादा नादान मत बनो। तुम्हारा काम बिल्डिंगें बनाना है, तुम आर्किटेक्ट हो, ना कि ये कि तुम लोगों की बिल्डिंगों को तोड़वाते फिरो। भैया ये हमनी हमारी तंजीम राही कर रही है। खूब अच्छी तरह जानता हूं तुम्हें भी और तुम्हारी तंजीम राही को भी। 4-6 लफंगे मिलके बैठ गए हैं और लोगों पे धोस देते फिरते हो तुम। भैया देखिए आप जाति कर रहे हैं, हमारे सब साथी बहुत जिम्मेदार लोग हैं, उनमें डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, सहाफी हैं, ताजर और बल्कि कुछ तो आप जैसे बाबाकार वकील भी हैं। तमाम लोग जिनके पास जाया करने के बहुत वक्त है। भैया गलत कामों से किसी को रोकना वक्त जाया करना है क्या? तो खुदाई फौजदार बन गए हो। मगर भैया साफ सुथरे माहौल में रहना हमारे और हमारे बच्चों का हक है। अच्छा
ज्यादा जोश में आने की जरूरत नहीं है। देखो बेवकूफ मत बनो, तुम्हें पता नहीं है कि तुम किन लोगों से टक्कर ले रहे हो। अगर वो चाहें तो तुम में से हर एक को खरीद के 10 बार फेंक सकते हैं। मैं जानता हूं ये। कुछ नहीं जानते तुम, इन खराफात में कुछ नहीं रखा, सीधा सीधा अपना काम से काम रखो। मगर भैया किसी ना किसी को तो आवाज उठाना है ना, तो चीखो चिल्लाओ बहुत जोर से, लेकिन उनके हाथ तुम्हारे गिरेबान पे जब आएंगे तो फिर रोते हुए मेरे पास बताना। लैशेस मस्कारा है, इसको लगाने से पलकें बहुत लंबी हो जाती हैं। मगर आपको इसकी क्या जरूरत, आपकी तो खुद इतनी लंबी है। इतनी लंबी थोड़ी है, इसको लगाने से तो और लंबी हो जाती हैं। बाजी ये क्या है? ये हेयर स्प्रे है, बालों में लगाते हैं। अच्छा, जैसे फसल पे लगाते हैं कीड़े मारने के लिए, तो इसको बालों में लगाने से सारी जुए फटाफट मर जाती है। पागल लड़की। अच्छा एक काम करते हैं, तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे बाल बनाती हूँ। बाल? मेरे मेरे बाल नहीं। बैठो ना, अरे मैं बाल बनाऊंगी कि तुम सारी उम्र याद रखोगी। जी याद तो रखूंगी, भाभी जब देखेंगी जो जूते मारेंगी वो तो जरूर याद रखूंगी। बल्कि हो सकता है मेरा सर ही मंडवा दे उस तरह से। तुम सोचो तुम कितनी अच्छी लगोगी गंजियों के, है ना, कितना गोल मटोल सा तुम्हारा सर होगा, बिल्कुल कद्दू की तरह। वैसे तुम्हारा दिल नहीं करता कि तुम भी नए फैशन करो? बस जी आपके साथ रहूंगी तो सीख जाऊंगी। पर बाजी मुझे शौक है अंग्रेजी पढ़ने का, आप मुझे अंग्रेजी पढ़ना सिखाएं। तुमने तो कहा था तुमने 7वीं पास की है, अंग्रेजी तो पढ़ाई होगी उन्होंने। कहाँ पढ़ाई, उर्दू का स्कूल था ना, अंग्रेजी तो पढ़ाई जाती होगी। उस्तानी को खुद आती तो पढ़ाती ना, बस ABC का कायदा पढ़ाया था। मगर फिर मैट्रिक तो किया होता, स्कूल मैट्रिक तक था ही कब? जब भी तुम्हें कहती हूँ बाजी आप मुझे अंग्रेजी पढ़ा देना, फिर जब मैं वापस गांव जाऊंगी तो वहां मास्टर नहीं लग जाऊंगी। अरे तुम वापस क्यों जाओगी,
बस जी, घर तो मेरा वही है ना, कभी भी कोई मुझसे खफा हो गया तो वही वापस भेज देंगे। नहीं नहीं, अब तुम कहीं नहीं जाओगी, यही तुम्हारा घर है, तुम यहीं रहोगी। मैं ऐसा करती हूँ, तुम्हें कल से ही अंग्रेजी पढ़ाना शुरू कर देती हूँ, फिर तुम मैट्रिक कर लेना, फिर तुम कॉलेज में दाखिला ले लेना। कॉलेज? मैं कॉलेज जाऊंगी? मैं? मेरे बाल, इतने से मेरे बाल, बाजी मेरे बाल। क्या हो गया? अकेले ही बैठा चला बोल रहा है, क्यों जोग ले है?